नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध में क्या असमानताएं हैं। क्या भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध एक है? आप में से 99% लोगों को लगता है कि गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक ही हैं, पर ऐसा नहीं है। परंतु कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व लगभग 2500 वर्ष पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थीं। इसके विपरीत भगवान बुद्ध का जन्म कलियुग के आरंभ में लगभग 5000 वर्ष पूर्व बिहार के गया नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम हेमसदन था, जो ब्राह्मण थे, जिसकी भविष्यवाणी 5700 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत पुराण में हुई। भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक में मिलता है, जो इस प्रकार है। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीटेषु भविष्यति। जिसका अर्थ है, फिर कलयुग की शुरुआत में भगवान बुद्ध के रूप में अंजना के पुत्र गया प्रांत में प्रकट होंगे, उन तामसिक नास्तिकों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से जो वफादार आस्तिक से ईर्ष्या करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है, तो आपको बता दूं, ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां अब तक हो चुकी है। इसी तरह की भविष्यवाणी हमें स्कंद पुराण के ईश्वर गीता में श्री कृष्ण के जन्म के बारे में मिलती है, जिसमें वर्णित है कि कैसे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्म लेंगे और अर्जुन को गीता का ज्ञान देंगे। नारायणोपि भगवान देवकी तन्यो हरिः, अर्जुनाय स्वयं साक्षादुक्त वानित मुक्तमम। विचारणीय बात यह है कि शुद्धोदन व माया के पुत्र गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं है। श्री शाक्य सिंह गौतम बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। कठिन तपस्या के बाद जब उन्हें तत्वानुभूति हुई तो वे बुद्ध कहलाए, जबकि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। 1807 में रामपुर से छपी अमरकोश में श्रीमान H.T. कोलब्रुक ने इस बात को प्रमाणित किया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।